नाम हुआ आपका? परमेश्वर साह। कहाँ घर हुआ आपका? बागमारा। और प्रखंड कौन हुआ? चकाए। अच्छा, क्या मामला है आपका? हम यहाँ मेरा परिवार का थोड़ा दर्द रात में हुआ था, हम चेक कराने। परिवार का क्या नाम हुआ? गिरजा देवी। उम्र कितना हो? 45 साल। अच्छा ठीक, कब दर्द हुआ उनको? शनिवार को हम भेजे थे यहाँ पर। अच्छा ठीक, किसके किसी के माध्यम से? हम अपना लड़का के साथ भेजे थे। लड़का क्या नाम हुआ? पीयूष कुमार है। अच्छा ठीक, उसके बाद क्या हुआ? दर्द देख रहे करते भेजे थे तो ये डॉक्टर यहाँ चेक चाक किया, वो बोलता बच्चा दाने में मीट बढ़ गया है, पेशाब के जगह पर चल गया है, पेशाब इसको जब तक ऑपरेशन नहीं करेगा नहीं उतरेगा। हम बोले घूर सुबह रविवार को हम यहाँ पर आए, तो रात में 2 बजे डॉक्टर साहब अंदर ले गए, 4 बजे भोर को बाहर किए, 2 घंटा ऑपरेशन में लगाए, 3 डॉक्टर मिलकर ऑपरेशन किए। डॉक्टर था कि वो प्रैक्टिशनर था? अब क्या था नहीं था हमको तो नहीं मालूम है। डॉक्टर महिला डॉक्टर थी कि जेंट्स डॉक्टर था? आपको कौन पहले? जेंट्स था। जेंट्स था जी, महिला डॉक्टर कोई नहीं थी? नहीं। अच्छा ठीक, उसके बाद? तो ऑपरेशन करके निकाला था, हम 4 बजे दिन में आए सोमवार को। ठीक, 4 बजे दिन को आए हम, अब सबके अस्पताल में घूम के देखे जितना मरीज था, सबके पेशाब के थैली में देखे पेशाब आ रहा, मेरा परिवार के थैली में पेशाब नहीं आया। हम डॉक्टर को बोले जबकि देखिए सबके पेशाब आ रहा, मेरा परिवार के थैली में पेशाब नहीं आ रहा, इसको चेक कीजिए आप। रूम जो भी रूम में लगा उसमें लगा के मुंह में पेप उप डाला, थोड़ा बहुत कचरा निकाला, तो थोड़ी देर के लिए स्थिर हुआ। जम्मू में नहीं इमरजेंसी, हम यहाँ के बाद। हाँ ठीक, उसके बाद? उसके बाद 2-4 घंटा हुआ, फिर रात हुआ, फिर आग पकाने लगा, तो फिर कुछ दवा सुइया दिया तो अस्थिर हुआ। फिर सोमवार मंगलवार को ही 7-8 बजता था दिन, अब पार्सा पूरा हो रहा था, वर्षा होने के बाद अपना आदमी को बुलाया, को नहीं पहुंच पाया कि क्या क्या एम्बुलेंस बुलाया अपने से डॉक्टर साहब, और हमको बोला पटना भेज रहे हैं, आप पटना नहीं भेज के हमको जम्मू में उतार दिया। जम्मू में कहाँ? इमरजेंसी अस्पताल में। कौन हॉस्पिटल भी था वो? इमरजेंसी अस्पताल है। अच्छा, इमरजेंसी ठीक, वहाँ पर 36 घंटा रखा, 25,000 रुपया मेरा खर्चा हुआ। यहाँ कितना लिया था? यहाँ अपोलो में कितना लिया था? मिला जुला यहाँ भी 50,000 रुपया, 10,000 जमा लिया, दवा वा लिया था, बाकी था मांग रहा था, तो हम बोले मंगा कर देंगे, वो पैसा नहीं दिए थे। उसके बाद यहाँ से हमारा हटा दिया, तो बोला पटना जाइए, पटना ने जाके जम्मू में उतार दिया इमरजेंसी अस्पताल में, 36 घंटा के रखा, 25,000 रुपया खर्चा हुआ। तो हम लोग देखने जाते थे तो नहीं देखने देते थे, हमको कुछ सस्पिशन हुआ, उसके बाद अपना आदमी 2-4 को हितू नेता बुलाए, तब सब लोग को देखा था, जाने दिया, तो गंभीर समस्या था, तो वहाँ पर भी कागज बनवाए, तो पटना रेफर करवाए, वहाँ ले गए, वहाँ भर्ती किए, तो वहाँ पर भी 36 घंटा वहाँ भी रहा, 80,000 रुपया वहाँ भी खर्चा हुआ। तो डॉक्टर साहब सुबह में कल खिन बोला कि देखिए हम पेशाब मरीज ठीक होता तब लेते हैं, कि पेशाब और बीपी नहीं उठ रहा है, हमारा स्तर से आप जा सकते हैं। हम बोले थोड़ा समय दीजिए, हमारा आदमी आ रहा है, तो बोला वेंटिलेटर लगेगा, कल इसका दाम क्या है? कल के 5,000 है, तो 2 टाइम लगाया, 7 बजे लगाया, 10 बजे तक एक टाइम हो गया, 10 बजे फिर 10 बजे 10,000 वो भी लिया। उसके इमरजेंसी अस्पताल में या अपोलो अस्पताल पटना में? उसके पटना में। ये बताइए इनकी मौत कब हुई? कल 7 बजे रात में रास्ता में हुआ, वहाँ से हम बोला आप ले जा सकते हैं पटना से लाने के। तो वहाँ पर रास्ते में बोला बोलना हम पैसा फ्री नहीं लेंगे, आपको परिवार बीमारी नहीं आया होगा, बीपी और पेशाब नहीं उतर रहा, आप जा सकते हैं। तो हम बोले 5-6 घंटा के समय दीजिए, मेरा आदमी आ रहा है। तो यहाँ लाने का मतलब क्या है? यहाँ लाने का मतलब यही है, ऑपरेशन किया, पेशाब रास्ता की काट दिया कि जाम कर दिया, नहीं हुआ, तो बच्चा हमारा 4 गो लड़की 1 गो लड़का है, हम ही सोच के लाए कि गलती आपकी है, तो कुछ हमको सहारा दीजिए, हम यहाँ चले जाएंगे। इसकी लापरवाही से इसकी मौत हुई है? जी सर। ये ऑपरेशन इसका गलत किया, इसके कारण इसकी मौत? जी सर, जी सर। यही कहना है? हाँ, पेशाब नहीं उतरा। अच्छा, उसके बच्ची का क्या नाम है? ये इसके 2 बच्चे हैं, देखो काजल कुमारी है। उम्र कितना है उनका? 25 साल है। और एक और करीना का है 18 साल, प्रिया कुमारी के 15-16 साल, और वो छोटा बच्चा करीना कुमारी है, अनुष्का कुमारी 10-11 साल, एक लड़की। तो यहाँ आए तो ये बंद पाया कि भाग गया? बंद था, बंद था। हाँ, रात में आए। क्या बजे यहाँ पहुँचे? यहाँ पहुँचे थे हम करीब 3 बजे से, मगर यहाँ पर आए 4 बजे हम।
अच्छा, आप लोग और कितने लोग हैं यहाँ? हम लोग गाँव से आए थे करीब 10-12 को, ज्यादा लगल बगल वाला थे सब। पुलिस भी आई है? हम लोग नहीं बुलाए थे पुलिस, हम लोग को यहाँ जमात कर पुलिस अपने से आ गया और हम लोग को भगा दिया। कब भगाया? वही 5 बजे भोर को, करीब 5:30 बजे लगभग। बोले यहाँ तुम लोग हमारा क्षेत्र में अस्पताल के सामने से हटाइए, रोड पर ले जाइए, यहाँ मत रखिए, वहाँ पर हम चल गए। ठीक ठीक। मेरा नाम शिरीन है। किस पद पे आप हैं? मैं अपोलो हॉस्पिटल की संचालक हूँ। आज जो घटना हुई मैडम, हाँ जी, उसका क्या सच्चाई है? सर पहले तो मैं बताना चाहूँगी, ये घटना आज की नहीं है और ये घटना पटना में हुई है, जिसमें कि मैं आपको पूरा इसका ब्यौरा देना चाहूँगी। पेशेंट गिरजा देवी, जिसको बच्चेदानी की दिक्कत थी, 17 तारीख को हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुई। उससे पहले OPD में दिखाने आ रही थी, जिनको यूरिन की दिक्कत हो रही थी, ठीक है, उनका मेडिसिन चल रहा था कुछ, और उनका साथ ही साथ बच्चेदानी में कुछ दिक्कत था, ठीक है, जिसका रिपोर्ट गार्जियन के पास भी अवेलेबल है, हमारे पास भी अवेलेबल है। उसी दौरान डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि ऑपरेशन कराया जाए, जो हाँ वो पहले इलाज करा रही थी, जैसा उन्होंने बताया। यहाँ पे भी हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो रिपोर्ट सेम ही आई, ठीक है, उनको बच्चेदानी की दिक्कत थी और उनको ऑपरेशन कराना था। ऑपरेशन कहाँ हुआ मैडम? ऑपरेशन झाझा अपोलो हॉस्पिटल में हुआ जी। फिर सारी बात होने के बाद, सारा कुछ समझने के बाद, पेशेंट से हम लोग सिग्नेचर लेते हैं हर चीज़ के लिए, जिसमें ये भी लिखा जाता है कि पेशेंट को अगर किसी भी चीज़ की दिक्कत है तो वो अस्पताल को जानकारी दे, अगर जानकारी नहीं हो दी जाएगी तो हॉस्पिटल उन पे कार्रवाई करने के लिए मुक्त है। जिसमें कि पेशेंट ने अपनी प्रीवियस हिस्ट्री, जो कि बाद में हमें पता चली, पहले मैं उनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद सब चीज़ ठीक थी, पेशेंट आराम से 3 दिन रही, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसा लोगों का कहना है, कुछ न्यूज़ चैनल्स का कहना है कि उनको यूरिन नहीं आ रहा था, यूरिन बैग लिया गया था। अगर आप चाहें तो हम CCTV फुटेज दे सकते हैं, जिसमें खुद पेशेंट का आदमी यूरिन बैग खाली करता हुआ दिखेगा आपको, यूरिन खाली करता हुआ दिखा। और पेशेंट के गार्जियन वहाँ सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कुछ मेडिसिन चलाने के लिए कह रहे थे, नहीं ये नहीं चलाएंगे। कुछ वहाँ पे मेडिकल लाइन से थे, वो बोले कि नहीं हम नहीं कराएंगे, हमारे पास सारी चीज़ें रिटर्न में है। उनको ब्लड की भी दिक्कत थी, परिजन बोलते हैं कि हम ब्लड नहीं चढ़ाएंगे। तो हमने बोला कि आप हमें लिखित में दे दीजिए, उन्होंने हमें लिखित में दिया, ठीक है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें होने के बाद 3 दिन तक पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं थी, बस उनको सांस लेने में कुछ दिक्कत आ रही थी। बार बार हमारे सारे डॉक्टर्स उनसे एक ही सवाल करते रहे कि कोई आपको पहले दिक्कत तो नहीं थी, आप कोई पहले दवा तो नहीं खा रही थी? तो उन्होंने कहा नहीं। जब पेशेंट को सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होने लगी तो हमने उनको प्राइवेट रूम में फ्री में सुविधा दी, क्योंकि पेशेंट गरीब तबके का था और उसने हमारे यहाँ सिर्फ 5,000 जमा करके अपना इलाज कराना शुरू किया, ठीक है। तो हमारा अपोलो हॉस्पिटल पहले पैसे पे ना ध्यान देके पेशेंट पे ध्यान देता है, तो पैसे की बात हमने अलग रखी और पेशेंट को प्राइवेट रूम की सुविधा दी, जिसका CCTV फुटेज अगर आप चाहें तो हम आपको शो कर सकते हैं। उसके बाद पेशेंट को सांस लेने में जब दिक्कत होने लगी तो पेशेंट का गार्जियन घबराने लग गया, आपस में बात करने लग गया, तो उनकी एक्टिविटी से डॉक्टर्स को और हम लोगों को कुछ शक हुआ। हमने उनको बुलाया, उनसे बातचीत की, बातचीत में पता चलता है कि पेशेंट ने पहले GB का ऑपरेशन कराया था और अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया था। उसके बाद जहां उनका इलाज चल रहा था, उनको स्ट्रिक्टली डॉक्टर ने मना किया था कि तीसरा ऑपरेशन आप नहीं कराएंगे। ये बात गुप्त रखी गई थी। इसके अलावा इससे भी कोई दिक्कत नहीं है अगर गुप्त रखी गई बात, इससे भी, क्योंकि अगर पेट का इलाज हो रहा है, एक तीसरा ऑपरेशन भी नॉर्मल, आप किसी भी बड़े सर्जन से, हम फ्री हैं, हम आपको पूरा छूट देते हैं, हम गवर्नमेंट को अपने पर कार्रवाई करने का पूरा छूट देते हैं, ये कार्रवाई करे, तीसरा ऑपरेशन हो सकता है, सब कुछ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। परिजनों के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि बच्चेदानी का ऑपरेशन ठीक तरीके से हुआ, उसके बाद जो है पेशाब के रास्ता को बंद कर दिया, इससे क्या कुछ कहना चाहूँगा? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, हम आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर, मैं चाहूँगी गवर्नमेंट डॉक्टर के पास आप जाएँ, गवर्नमेंट अस्पताल जाएँ, आप सदर अस्पताल जाएँ, वहाँ पे दिखाएँ। अगर एक भी दिन इंसान का यूरिन रुकता है तो वो 10 दिन सर्वाइव नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पेशेंट 18 तारीख को जो है उनका ऑपरेशन हुआ और आज क्या तारीख है, 26 तारीख है, ठीक है, 27 तारीख हो गई है, ठीक है, 27 तारीख की मॉर्निंग की। तो इतने दिन पेशेंट सर्वाइव करने का किसी भी मेडिकल साइंस में कोई भी जवाबदेही नहीं है। इसके अलावा
पेशेंट का जब स्थिति बिगड़ने लग गया तो हमने बात की, पेशेंट के गार्जियन उनके हस्बैंड थे और उनका बेटा था, ठीक है, जिन्होंने साइन भी किया है प्रॉपर, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, साइन भी किया है। फिर पता चलता है, वो बोलते हैं कि पेशेंट को आज से बहुत समय पहले टीबी भी था, अस्थमा की प्रॉब्लम थी, गठिया था, दारू पीती थी जंगली मेडिसिन के साथ, दारू पीती जी। और कैसे पता चला आपको? ये पेशेंट का गार्जियन मतलब पिता और बच्चा दोनों ने यहाँ पे सर लोगों के साथ घबरा घबरा के बोला है, बोला है कि इसकी सूची आप किसी को हमारे परिवार में नहीं दी जाएगा। फोटोज वीडियोस है जो बोले या ऐसा ही मौखिक में बोले? वो मौखिक में ही बोले हैं, फोटो वीडियोस नहीं है, लेकिन इसके मतलब आपको इस चीज़ का प्रूफ चाहिए क्योंकि बोली पे कोई भी विश्वास नहीं करता, मैं जानती जी। बिल आरोप नहीं, मैं चाहूँगी कि उस पर पोस्टमार्टम किया जाए और सच्चाई बाहर आए, क्योंकि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल पोस्टमार्टम की जानकारी नहीं देता अगर वो नहीं होता। साथ ही साथ उनको रेफ़र किया गया जो कि उन्होंने छुपाया है, ठीक है। रेफ़र करने के बाद हमारे पास वहाँ का भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, वो वहाँ से भी दो दिन में निकल के चले गए। और वो कहाँ गए हैं, वो 3-4 अस्पताल घूमे हैं, उसका भी हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग और प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। एक सवाल है, हाँ जी, कौन सा डॉक्टर ऑपरेशन किए थे? डॉक्टर अवधेश कुमार अवधेश कुमार ठाकुर। तो आपका जो अस्पताल चल रहा है, जी, आपका लाइसेंस है ना? जी, हमारे पास लाइसेंस, अगर आप बोलेंगे तो उसकी कॉपी भी हम आपको दे सकते हैं जी। आप सिविल सर्जन से भी बात कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो सारे डॉक्टर की डिग्री लगा सकती हूँ, सारे नर्सेस की डिग्री लगा सकती हूँ। आपसे ये बात जानी थी, हाँ जी, जिस महिला का आप ऊपर शराब पीने की जरूरत है, तो महिला शराब क्यों सेवन कर रही थी, कुछ पता चला? देखिए, उनको छाती का जो दिक्कत था, उन्होंने बोला सर 3-4 महीने में किसी से बातचीत उन्होंने किया, जंगली दवा उनको दारू के साथ देने बोला था, गया था, जैसा कि उनके हस्बैंड और बेटे ने बताया। ये बात पता चला कि कब से उसको जंगली दवा के सेवन? 3-4 महीने उन्होंने बोला कि 3-4 महीना दिया गया था, तो उनको ठीक नहीं हुआ, तब उन्होंने कहीं पे इलाज कराया, डॉक्टर ने बोला कि नहीं, इनको चेस्ट का दिक्कत है, इनको आप नहीं कराएगा। तो मेजरली बात यही है कि अगर पेशेंट हमारे पास आता है जिस चीज़ की दिक्कत लेकर, अगर वो डॉक्टर से छुपाएगा तो ये खास तौर पे परिजनों की लापरवाही है कि वो अपने मतलब अपने खुद का मतलब बीवी हुई या अपनी माँ हुई उनका देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हर कोई करता है। ये एजुकेशन की कमी कहूँगी मैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये बात छुपाई, और इस चीज़ के लिए हमारा पूरा सपोर्ट है। अगर इस चीज़ में आपको थोड़ा सा भी कुछ लग रहा है तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे कि उस बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाए और सारी रिपोर्ट लीगली देखी जाए। परिजनों का भी आरोप लगाया कि लाख रुपये लिया गया है फीस, उसके बाद जो है बस झाझा अपोलो हॉस्पिटल का लगातार ऐसी समस्या जो बार बार आ रही है, इसके आप क्या क्या कुछ? देखिए सर, बात करें पैसे की तो हम बिना बिल के पैसा नहीं लेते हैं। आप हमें बिल दिखाइए, आप इसके साथ अटैच करिए मेरे स्टेटमेंट के साथ, तब मैं मानूंगी। बिना बिल के आप बाहर फोटो भी ले सकते हैं, बिना बिल के हम काम नहीं करते। उनके परिजन आपके बारे में कोई ऐसा आरोप नहीं लगा, लेकिन झाझा के थाना अध्यक्ष मानव सेवा संघ ग्रुप में कमेंट करते हैं कि डॉक्टर नीरज शाह से 1.25 लाख रुपया तहसीलदारी करके यहाँ भी अपोलो हॉस्पिटल आए थे। देखिए, वो मरीज मेरे यहाँ आया ही नहीं, उस मरीज को मैं जानता हूँ नहीं। बेवजह कोई अपना न्यूज़ चलाता है, कोई छापता है या बोलता है तो गलत बात है। हम लाइन फन से दूरी रहते हैं, उससे क्या मतलब? हमको उस मरीज को जानता, मेरे यहाँ आई था, हम उसके बारे में क्या बताएं? आप थाना जैसे पूछ लें कि वो मेरे यहाँ आया कि नहीं आया, थाना जैसे मेरे यहाँ आया कि नहीं, पता करने कोई अपने मन से कोई बैठे डिसीजन लेता, गलत बात नहीं। हम वो मरीज आपके यहाँ आया ही नहीं। जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं सब बिल्कुल गलत है भाई। हम क्यों, मेरे पास आएगा तब ना, कोई मरेगा तो ना कोई पैसा देगा। अब जब मर आया ही नहीं, जब मरने के बाद कहाँ से, तो पहले जब आ ही नहीं तो उसके बारे में क्या बता सकते हैं?